हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स के चैप्टर सेकंड से वर्ड प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे। चलिए हम लोग मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका वॉट 4 1/2 kg ऑफ मैंगोज एंड 7 1/3 kg ऑफ वाटर मेलन, वॉट इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट परचेस्ड बाय हर। इसी के हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, हमने दो टाइप के फ्रूट्स को परचेज किया है और उनका वेट हमें गिवेन है और हमें टोटल वेट फाइंड करना है, यानी हमें ऐड करना है। तो देखिए, हम लोग ने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, द वेट ऑफ द मैंगोज इक्वल्स टू 9/2। हमारा जो वैल्यू था वो मिक्स फ्रैक्शन में था, हमने पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज किया। द वेट ऑफ द वाटर मेलन इज इक्वल टू 22/3, टोटल वेट इज इक्वल टू 9/2 प्लस 22/3। अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम वैल्यू जो है वो आएगा 6। ओके, देन हमने 6 एलसीएम लिया। फिर एलसीएम के बाद एडिशन का जो रूल होता है कि फर्स्ट डेनोमिनेटर से हम एलसीएम वैल्यू को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा वो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही हमने देखो दोनों के साथ किया है, हमने 3 से 6 को डिवाइड किया, आंसर आया 2, तो 22 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। जो इनके आंसर्स आएंगे उनको हमने ऐड किया तो 27 प्लस 44 हमारा आंसर हो गया 71/6 kg। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे इसमें एडिशन करना है और हमें क्या लैंग्वेज लिखनी है। चलिए अब हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 6 बॉटल्स ऑफ ऑयल कंटेनिंग 4 1/5 लीटर, 3 1/4 लीटर, 3 लीटर, 6 1/2 लीटर, 7 लीटर एंड 5 1/3 लीटर ऑफ ऑयल। दीज बॉटल आर एम्प्टीड इन एन एम्प्टी कैन, हाउ मच ऑयल इज देयर इन द कैन। मतलब हमारे पास 6 ऑयल बॉटल्स थे, उन सभी को हमने एक बड़े बॉटल में खाली कर दिया, तो हमें बताना है उस बड़े बॉटल में कितने लीटर ऑफ ऑयल आया होगा, राइट? मतलब हमें डायरेक्टली इन सब का प्लस करना है। तो कैपेसिटी ऑफ 6 बॉटल्स आर, हमने गिवन डेटा को यहाँ लिखा इन लीटर्स में, टोटल ऑयल के लिए हमें इन सबको ऐड करना है। क्लियर? तो ऐड करने के लिए हमारा स्टेप होता है, हमें सारे डेनोमिनेटर्स के नंबर्स का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आया हमारा 60। साथ ही साथ जितने भी नंबर्स जो मिक्स फ्रैक्शन में थे हमें उन सबको इम्प्रॉपर में भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए, हमने नीचे इन सबको इम्प्रॉपर में चेंज करके लिखा हुआ है, 4 1/5 को 21/5, 3 1/4 को 13/4, 3 तो 3 ही है, देन 6 1/2 यानी 13/2, 7 यानी 7/1 एंड 5 1/3 यानी 16/3। क्लियर? अब इन सब को हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम वैल्यू आया 60। 60 के बाद सेम जो हम एडिशन में प्रोसीजर करते हैं, हर एक नंबर के डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो ऑप्टेन नंबर्स होंगे उन सबको यहाँ पे देखिए हमने लिख के रखा हुआ है, 252 प्लस 195 प्लस 180 प्लस 390 प्लस 420 प्लस 320। हमने इन सबको ऐड किया, हमारा आंसर आया 1757/60, या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 2917/60। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमें सिंपली बस इस क्वेश्चन में प्लस करना था, बस वैल्यूज ज़्यादा थी इसलिए प्लस में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकती हैं, राइट? चलिए हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमारा 10th क्वेश्चन है, तान्या स्पेंड 2/7 ऑफ हिज लेजर टाइम इन रीडिंग अ स्टोरी बुक एंड 3/14 ऑफ हिज लेजर टाइम फॉर प्लेइंग। यहाँ पे वर्ड 14 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लेइंग अ फुटबॉल इन द रेस्ट ऑफ द टाइम इन वॉचिंग टीवी, फाइंड अ फ्रैक्शन ऑफ हिज लेजर टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टीवी। यहाँ देखिए एक चीज बोली गई है सब दोनों कंडीशंस में, ऑफ हिज लेजर टाइम, यानी उसका जितना भी खाली टाइम था उस खाली टाइम का 2/7 वो यूज करती है स्टोरी बुक रीडिंग में, और उसी खाली टाइम का 3/4 यूज 14 यूज करती है वो प्लेइंग में। तो हमें बताना है कि टोटल टीवी देखने में वो अपना कितना फ्रैक्शन ऑफ लेजर टाइम खर्च करती है। क्लियर? तो हमने लिखा, लेट द लेजर टाइम ऑफ द तान्या बी 1, क्योंकि हमें नहीं पता उसका लेजर टाइम एक्चुअली कितना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो चीज नहीं दी गई है, राइट? हमने उसको 1 माना, फिर हमने लिखा था टाइम स्पेंट ऑन रीडिंग बुक
इज 2 बाई 7, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही आएगा। टाइम स्पेंट ऑन प्लेइंग इक्वल्स टू 3 बाई 14, द रिमेनिंग टाइम फॉर टीवी, उसके टोटल लेजर टाइम में से अगर हम रीडिंग बुक का और प्लेइंग का टाइम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो टीवी देखने का कितना टाइम होगा। क्लियर? हमने 1 में से 7/14 को माइनस किया, हमने जब 7/14 को 1 से माइनस किया तो आंसर बचा 1/7/14 या 1/2। क्लियर? मतलब उस वो अपने खाली टाइम का 1/2 फ्रैक्शन जो है, यानी आधा टाइम सिर्फ टीवी देखने में निकालती है। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडिड फॉर 12 2/5 टू गेट 18 9/5। क्लियर? तो हमने यहाँ देखेंगे हमारा फर्स्ट नंबर है 12 2/5, इसको अगर हम इम्प्रॉपर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 62/5। हमारा रिजल्ट है 18 9/25, यानी अगर इम्प्रॉपर में चेंज किया जाए यानी 4/59। तो हमें सेकेंड नंबर निकालना है, यानी हमें पता है अगर कोई दो नंबर्स को ऐड करें तो उसको कैसे निकालते हैं, उसके नंबर्स की रिजल्ट में से कोई भी एक नंबर माइनस कर देंगे हम तो हमें दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो हम लोग रिजल्ट में से अपना फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे, ठीक है? तो 4/59/25 माइनस 62/5। तो इसके लिए पहले हमने एलसीएम लिया 5 और 25 में से, तो हमारा एलसीएम आया 25। क्लियर? देन एलसीएम आने के बाद जो हमारा प्रोसीजर होता है, सेम हर नंबर के डेनोमिनेटर से हम हमारे एलसीएम के डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है? और जो भी हमारा नंबर आएगा डिवाइड के बाद उसको हम न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि यहाँ देखो 62 में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर जो हमारे रिजल्ट आएंगे 459 माइनस 310, हमने माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 149/25। मतलब हमें सेकेंड नंबर जो हमारा था वो था 149/25। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।